नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। आज ही के दिन जगह जगह मूर्ति स्थापना की जाएगी। लगातार दो वर्षों से कोरोना महामारी से नुकसान उठा रहे आज ग्राम पंचायत गुजरी के व्यापारियों से हमारे धार जिला ब्यूरो हेड दीपक शिंदे एवं धर्मपुरी संवाददाता जितेंद्र वास्कल ने बातचीत की और जाने उनके व्यवसाय के हाल चाल। आइए आपको दिखाते हैं कि इस साल का नवरात्रि पर्व मूर्ति व्यापारियों के लिए कैसा रहा। हम खड़े हैं धार जिले की गुजरी में ग्राम में, जो कि यहाँ पर व्यापार नवरात्र का पहला दिन है और यहाँ पर हम यहाँ के व्यापारियों से भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से व्यापार हो रहा है और मूर्तियाँ कितनी ले जा रहे हैं, क्या हो रहा है। हम जानेंगे और समझेंगे कि भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है, यहाँ पर आप व्यापारी हो क्या? जी, व्यापारी है। मूर्तियाँ का व्यापार करते हैं? जी, मूर्ति का व्यापार, चुनरी का। अच्छा, माता जी के घर पे। यहाँ ग्राम के कितने लोग आते हैं, कितने ग्राम के लोग आते हैं? गुजरी ग्राम जो है, इसके आसपास करीब 30 से 35 आदिवासी क्षेत्र जुड़ा हुआ है, बाहुल्य क्षेत्र है। हाँ, और यहीं पे सब व्यापार बाजार हट करने के लिए आते हैं। अच्छा, अच्छा। लेकिन कोरोना महामारी से 2 साल से ये बहुत पिछड़ गया है। अच्छा। धंधा बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है। हाँ। इस वजह से अब व्यापार में कमी है। अच्छा, मूर्तियाँ कम बिक रही है? कम बिक रही है, पांडाल मूर्तियों के कम बने हैं, इस वजह से मूर्तियों का उठाव कम है 2 साल की अपेक्षा। जी, आपका शुभ नाम और कहाँ रहते हैं? नितिन कुमार जायसवाल, ग्राम गुजरी। न्यूज हलचल इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धार से दीपक सिंह की रिपोर्ट। राठौर, क्या व्यापार है आपका? ना, जनरल शॉप है। हाँ, हाँ। और इसके साइड में जो 12 महीने यहाँ पे बिजनेस करते रहते हैं। अच्छा, जैसे कई प्रकार के बिजनेस करते हैं, 12 महीने के सीजन के हिसाब से बिजनेस करते हैं। अभी नवरात्रे लग गए हैं, या फूल का व्यापार भी करते हो आप? हाँ, पूजन सामग्री की दुकान भी है और फूल की दुकान है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये बताएं कि ये फूल का व्यापार किस प्रकार चल रहा है? और आदिवासी क्षेत्रों से खरीद के ले आया जाते हैं आसामियों से, और यहाँ पे फिर खिर्ची बेच दिया जाता है। तो अभी तो फूल के भाव तेजी होगी। जो एक बाड़ी रहती है, जो 4-6 महीने पहले किसान को पैसा देके कर ली जाती है। हाँ। तो उस भाव में अपन कर लेते हैं तो अपने को 4-6 महीने का बिजनेस हो जाता है फूल में, सस्ते भाव में। सस्ते भाव। अभी एक माला की कीमत क्या है? अभी 20-30 रुपये चल रही है। 20-30 रुपये चल रहे हैं। अभी तो बहुत ये कोरोना में भी बहुत मामला कोरोना में टाइट माहौल था, उसके बाद में अब सामान्य चीज़ हो गई है, धीरे धीरे व्यापार में रौनक आने लग गई है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। चलो, हो गया। योगेश, कहाँ रहते हो? गुजरी निवास है मेरा। गुजरी निवास। ये व्यापार में कैसे क्या? जैसे क्या देखा जाए तो कोरोना के जस्ट बाद जैसे ही मूर्तियों, जैसे माता जी का जो रहता है सीजन, इसमें क्या रहता है कि कई छोटे से लेके बड़ों तक में सब में एक हर्ष उल्लास रहता ही है। और जहाँ तक है कि हर वर्ग में इसकी बहुत मान्यता भी होती है। और माता जी की, मतलब जैसे कि आपने घर में एक माँ का जिस तरीके से पालन होता है, उसी तरीके से माता का स्थापना की जाती है और उसके दिन बाद वो विसर्जन और ये सब सारी चीज़ें रहती हैं। मैं व्यापार का पूछ रहा हूँ, व्यापार में क्या वृद्धि है या कमी? व्यापार में तो और थोड़ी सी कमजोरी है, जहाँ तक लोग अभी निकल नहीं पा रहे हैं कोरोना काल से, मतलब कहीं ना कहीं उनके पास भी पैसे की डरे समय है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं उनको भी एक ऐसा लगता है कि अब माता जी बिठाने में उनका इतना वो इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं कमजोरी है। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं डर बैठा। बिल्कुल 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 डर बैठा हुआ है अभी भी उनके सर में। चलो ठीक है।